चलिए रुक जा रुक जा रुक जा। वन टू थ्री, वन टू थ्री गो। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज भाई एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों के लिए वीडियोस अलग अलग लाते रहते हैं अपने फार्म्स के जरिए या वैसे ही, तो शुगल होने जा रहा है आज फार्म पे फिर से। लास्ट ईयर हम लोग जानवरों की रेस करवाते थे कुछ ऐसे ही, बस बहुत कम थे तब तो, बल्कि 1.5 साल पहले आप समझ लें, जिसमें हमारे भोला सुल्तान और ठाकुर वगैरह ही हम करवाते थे, राजा वगैरह की। लेकिन फिर जानवर बढ़ते गए और फिर एक चीज सीखने को मिली कि भाई बड़े जानवरों को जो है ना रेस के तौर पे मतलब भगाना मुनासिब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर थोड़े दरमियाने और छोटे जानवरों पे वो चीज करने लगे, तो वो भी काफी लोगों ने पसंद किया, तो काफी मिस करा था मैं खुद भी। लेकिन कुछ जाहिर है मामलात का बर्डन है और जो है ना ये एक शुगल के चक्कर में, ये कॉन्टेंट के चक्कर में मतलब जो है ना मैं ये नहीं कर सकता कि किसी के जानवर के ऊपर कोई मामला आ जाए, तो उस चीज के एहतियात के बिना पे जो है ना छोड़ दिया था इस चीज को। तो लेकिन ये है कि वो याद आ रहे, और लेकिन आज भी हम वो नहीं कर रहे भाई, करने ये जा रहे हैं कि हमारे जो बंदे हैं ना जितने भी, उनकी आपस में रेस करा रहे हैं, और फार्म की भी अपडेट मैं आप साथ साथ दूंगा। लेकिन आज देखते हैं तमाम कहीं ना, और उसमें लारे भी इंशाल्लाह उसको करवाएंगे और समीत को भी मैं वीडियो कर रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं, लास्ट ईयर नसर भाई और मेरी हुई थी थोड़ी रेस, तो मैं जीत गया था, लेकिन जाहिर है उनकी एज फैक्टर भी है, और लेकिन उन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया था। लेकिन आज बड़े जोशीले हुए हैं सारे बंदे ना कि भाई हम कैसे जो है ना वो उसको हराएं, तो जरा देखते हैं। आपको उम्मीद है मजा आएगा इसमें भी, और हमारे फार्म का बंदा देखते हैं कौन सा सबसे फास्टेस्ट है। दोस्तों आज यहाँ के ही इसके इंट्रो यहाँ से किया, तो जानवर भी यहीं से दिखा देते, इनमें से कोई हाइट तो आई गेस नहीं है मेरे ख्याल है। तो अच्छा ये अपडेट भी है कि ये वाला सेक्शन जो है ना बताया था आप लोगों को कि ये अभी फिलहाल जो है एक वो वहीं पे ले गए ना जानवरों को, और बाकी के यहाँ पे सारे माशाल्लाह से हमारे दरमियाने वाले यहाँ पे बछड़े सारे बंदे हैं माशाल्लाह। तो शेर आ गया सबसे पहला, ठीक है बंटी हो गया, उसके बाद शेर दिल है, फिर तीसरे नंबर पर आ गई कैप्टन आ गया, शान करीम आ गया, शेडो आ गया। माशाल्लाह कैप्टन की प्रोग्रेस बहुत बेहतर होती जा रही है। मुफासा माशाल्लाह चेक करो यार, मतलब इस बच्चे की हाइट लेंथ मतलब लाइव वेट में तकरीबन ये 9 मंथ पे मेरा जहाँ तक ख्याल है ना चला गया होगा, वीडियो में नहीं पता चलता इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा लाइव वेट का जिक्र हुआ है, इंशाल्लाह मशीन्स जो हैं वो आने वाली हैं कुछ दिनों में, हो सकता है एक आध दिन में या कुछ दिनों में इंशाल्लाह फार्म पे आ जाएंगी। तो आप लोगों के लिए भाई मंथली बेस पे तो शायद वेट हम लोग शायद ना करें, क्योंकि मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन ये है कि 3 महीनों में 4 महीनों में ये तरतीब रखेंगे। मक्खन हो गया, पीछे राजू चला गया मक्खन, फिर ये आ गया भालू, और ये भाई शपाटर नाम बता दिया था आप लोगों को, फिर नाम शपाटर डन हो गया और इसका नाम डन हो गया बादल। ठीक है जी बता चुका हूँ मेरे ख्याल है, लेकिन ऑब्वियसली हर कोई सारी वीडियोज नहीं देखता। ये आ गया हमारा चोलिस्तानी, इसका क्राउन प्रिंस वैसे नाम है लेकिन आई गेस इसका भी नाम सजेस्ट के उसमें चल रहा है। और ये हमारा भाई माशाल्लाह जाने करीब बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हाइट लेंथ, खूबसूरत बच्चा माशाल्लाह, अपनी एज के एतबार से बहुत अच्छा माशाल्लाह, वजन गेन हो गया और कद काठे भी। बाकी बुलबुल और ये हमारा लास्ट में आ गया भाई कोकोनट, कोकोनट बोल रहा अखरोट, सॉरी सॉरी माय बैड। चले उस तरफ चलते हैं और वहां पे अब बल्कि ऐसा करते हैं ना पहले रेस कराते फिर बाकी की अपडेट देखेंगे। चलो भाई बंदों को मैंने बोला भाई बिना टाइम जाया किए आ जाओ ट्रैक पे, और लास्ट ईयर याद है ना नसर भाई, लास्ट ईयर मैं कह रहा हूँ इस दफा तुम एक आध को तो हरा ही देंगे मेरा ख्याल है भाई। इस रूल ये है दरवाजे को टच करके आना है, टच करके नंगे पैर, यार देख लो भाई अपनी अपनी जिम्मेदारी में। हाँ हाँ गेट को टच करके जो इधर आएगा पहले वो जाहिर है वो भी नहीं नहीं बस इधर आ जाए मैं देख लूंगा ना, वीडियो भी तो चल रही है, लाइन में आ जाए। और ये जॉगर्स यार देखो इंसाफ भी नहीं है, फिर सब नंगे पैर है तो आप दोनों भी नंगे पैर हो जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई फर्क है ना यार। चलो भाई नंगे पैर नहीं 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 भाग पाओगे इसमें, चप्पलें फिर बीच में उतारोगे लास्ट टाइम की तरह।
जैसे पिछली दफा तुमने समीर चप्पल उतार दो यार भाई, आपको ग्रिप मिल ले समीर को हराऊंगा। हैं चलो भाई, समीर को चैलेंज हो गया, लारे उस तरफ हो जाएगा भाई। पत्थर तो नहीं है ना, मेरा ख्याल है कोई कांच वाच पत्थर वत्थर, मिट्टी ही है। तो भाई 1 2 3 गो हम ही करेंगे, मुझे लगता है लारे जीत जाएगा। और देखते हैं, सुमर भाई भी एक्टिव है फुल, लारे सुमर भाई, भाई सही है ना, गेट को छू कर आना है ठीक है, छू कर जो यहाँ पहुंचेगा वही जीतेगा। 1 2 3 गो। ये क्या हुआ, भाग रहा, ये तो गलत बात है। नजर भाई को मोबाइल गिर गया, अबे गिर गया तो गिर गया। सुमर भाई ने सबसे पहले टच किया घर, ओए ओए भाई ये चीज क्या भाई, अनएक्सपेक्टेड, लारे थर्ड है। अबे और समीर ये क्या सीन है, क्या हुआ भाई, अबे यार वो जाकर भी आ गए ये तो। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जो जीत गया वो जीत गया, तुम्हारे तुम मोबाइल इधर दो भाई। अब इसकी बारी है, अशरफ का नहीं हुआ, अशरफ तूने क्या किया भाई, वहां थ्री हो गई थी, सब भागे तभी भागे। अब समीर की ये भाई बहुत बंदा तेज निकला भाई, बंदा चैंपियन है यार। नहीं जो हारे हमारे उल्टा है, जो हारे है ना, जो हारे तू चप्पल पहन के भाग ले चल, तू कह रहा है ना बगैर चप्पल के नहीं है, सही है। अशरफ और समीर की ऑफिशियल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 1 2 3। अबे यार हसन भाई यार, ओए 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 हसन भाई ने बेईमानी कर दी, साथ छुआ है भाई, साथ ही छुआ है, लेकिन अशरफ आ गया, हंस रहे और समीर गिर जाएगा। अरे आखिर में हरा दिया भाई अशरफ ने, पास पास। ओ यार हसन भाई ये क्या किया यार, यार ये तो गलत बात है यार। अबे यार हसन भाई यार ये गलत बात है यार, वो तेज भागने के लिए शुरू हुए थे यार। ये लो हसन भाई, उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो आज की रेस देख के मजा आया होगा, और तौहीद के लिए जो है ना जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन करिएगा आप कमेंट्स में, और बताइएगा भाई कितना जबरदस्त स्पीड में भागा ये हसन भाई के साथ, रेस हो जाए हसन, नसर भाई हरा दो, हैं हो जाए फुल तंगी और है फुल भाई। हसन भाई डबल हो गई है अब तो यार, हसन भाई सीरियस है। ओए ओए 1 अब कबड्डी नहीं, 1 2 3 गो 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 भाई भाग रहे एक दूसरे में भगा रहे। अबे हसन भाई ने टच नहीं किया। हसन भाई आप ऑफिशियली हार गए यार, आपने दरवाजा टच नहीं किया, टच करना था ना यार। नहीं भाई नहीं, दरवाजा टच करना था। अच्छा भाई हड़ा उड़ी अंदर की तरफ हुई भी है, वहाँ ये बंदे रेस लगा रहे हैं और यहाँ पे ना बछड़े भी लग रहा है रेस लगाने के लिए, एक्टिव हो गए। अच्छा हमने हाइड वाले बछड़े जो है ना पीछे की तरफ बांध दिए, तो वो इतने सही से नहीं दिखेंगे। कोकोनट और रॉकी के हवाले से भी इंशाल्लाह अपडेट देंगे आपको एक। और ये आ गया दिलबर, माशाल्लाह क्या हुआ, बांध दिया क्या, रस्सी टूट गई है क्या, मोफड़ल महाराजा भाई साहब ने जो है ना रस्सी तोड़ी भी। ओए शाबाश माशाल्लाह 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 भाईजान, जगह दे देंगे माशाल्लाह। और देख लो रस्सी अगर वही लग जाए तो अच्छी बात है, जाया नहीं करो रस्सियां। फार्म के ऊपर भी रस्सियों का बंडल हर आए दिन ही आता रहता है। अब खैर माशाल्लाह तो जानवर भी अच्छे खासे हैं। बाकी राजा की तस्वीर शेयर हुई थी, मैं पिछली वीडियोस में जिक्र करने ही रह गया, आपने बड़ी पसंद की, वो रमज़ान में खिंचवाई थी याद होगा। लेकिन अब उससे माशाल्लाह राजा की हाइट वगैरह लेंथ वगैरह और माशाल्लाह इंक्रीज हुई है, और कुछ लोग कह रहे थे कि यार अब फोटोज से अंदाज़ा हुआ कि माशाल्लाह कितना हेल्दी और कितना
एक्सरसाइज इसका अच्छा हो गया है माशाल्लाह। और सजेशन भी आए कि उसमें से तीसरी और चौथी जो तस्वीर थी उसमें से एक जो है मैं अपनी जो प्रोफाइल है इसकी यूट्यूब की प्रोफाइल है उसकी जो है ना वो डीपी लगाऊं, तो प्रोफाइल पिक लगाऊं। तो मैं खैर मेरा शुरू से एक वो है ना इस के हवाले से एक दिमाग की यार जो मेरी बिल्कुल स्टार्ट से लगी है ना, मैं इसको शायद अभी तक तो यही इरादा है कि इसको चेंज नहीं करना मैंने कभी। सॉरी पांडे जी दिख गए आपको, ओ सॉरी वो दिख गया, हाँ पांडे जी दिख गया। तो वो जो है ना मैंने चेंज नहीं करनी अभी तक, तो फिलहाल यही इरादा है, देखते हैं। माशाल्लाह देख रहे हैं पोज, देख रहे हैं कैसा दे रहा है, फुल जो है ना एक जबरदस्त अल्लाह नजर बस से बचाए। माशाल्लाह चल लेते हैं जरा दूसरी तरफ, चल लेते हैं बड़े बछड़ों की तरफ भी चल लेते हैं माशाल्लाह से। और सारे अल्लाह के करम से माशाल्लाह सेट चल रहे हैं इस तरह भाई सामने, बस ढोलू जो है वो चला जाएगा इंशाल्लाह। ढोलू सोल्ड हो चुका है, फुल हॉट मतलब फुल खरम जो है ना चलता ही है। क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है इसकी हाइट की यार फौजी, अल्लाह नजर बस से बचाए। बहुत उधम माशाल्लाह हमारे फख्र करीम तबंग माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह जानवर अल्लाह के करम से अच्छे उस पर जा रहे। और मैंने जैसे आपको बताया कि मशीन इंशाल्लाह आ रही है, तो इंशाल्लाह लाइव वेट बहुत जल्द होने वाला है, समझ लें नेक्स्ट मंथ की स्टार्ट में ही हम शायद लाइव वेट कर रहे होंगे इन सारे जानवरों का। गैस करना है यार ये कितने कितने वजन में पहुंचेंगे। ऑब्वियसली सबसे हैवीएस्ट तो हमारा जो है सिब्बी होगा, लेकिन सिब्बी के बाद इन तीन में से कौन सा सबसे हैवीएस्ट होगा ये देखना होगा, क्योंकि सबसे हैवीएस्ट में ये चला गया था सिब्बी के अलावा में, और फिर ये था, और फिर बाकी दूसरे अलग अलग जानवर थे। लेकिन अब देखना होगा कौन सा हो गया है। और मौला जड भी काफी अच्छे वेट गेन पर हो चुका है अल्लाह नजर बस से बचाए। सामने देख रहे हैं वॉल है, वॉल मौला जड एक वॉल है माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए भाई। और देखते हैं माशाल्लाह ब्यूटी माशाल्लाह माशाल्लाह दबंग। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को जो है वो जानवर पसंद आए होंगे, बाकी यार ऐसा सच कोई वो नहीं है। हाँ अंदर की तरफ से पीछे की तरफ से कुछ सफाई वगैरह करके मिट्टी पीछे की जो गंदी हुई थी वो इस तरफ निकाल के इस जगह को ऊंचा किया है, और अंदर फिर अब इंशाल्लाह भालू मिट्टी दल जाएगी, और थोड़ा ना ताकि जो है ना जानवर अब क्योंकि मौसम हो गया है, धूप भी अब तो खैर निकल रही है, ये है कि इंशाल्लाह बारिशों का मामला तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा, देखते हैं अल्लाह खैर करेगा। तो इसलिए जो है ना अंदर की सफाई करके अंदर का सारा जो गीला वाला मामला है ना वो निकाल के यहाँ पे डाल लें, ताकि इस जगह को ऊंचा करें, क्योंकि यहाँ से पानी की अंदर ना चला जाए, उसकी ये स्लोप अच्छा रख रहे ताकि जल्द से जल्द पानी हमारा ड्रेन हो जाए। और नए वाले फार्म में इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। कमेंट्स आते जब भी मैं बारिश का जिक्र करता हूँ तो कमेंट ज़रूर आता है कि आप जो है ड्रेनेज का ज़रूर रखिएगा तरतीब, तो इंशाल्लाह बिल्कुल वहाँ पे इस चीज़ को मद्दे बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा जा रहा है ना। और कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत अच्छा माशाल्लाह सही से चल रहा है, बाउंड्री वॉल तो मैंने बताया आपको कम्प्लीट हो चुकी है, अपडेट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, फिर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं वीडियो को हम एंड करेंगे। उम्मीद है आपको कलेक्शन भी पसंद आया होगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी, और जिन्होंने जो देखते रह रहे हैं वो तो माशाल्लाह पसंद ही करते हैं। और हमारी आज की जो रेस हुई उसमें सबसे जो छोटे गतका था वो सबसे ज़्यादा तेज भागा, ये एक हैरान कन बात थी। तो उम्मीद है वो भी आपको पसंद आई होगी, तो हम याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।